हेलो, वेलकम बैक टू। इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट उसमें हम कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस एंड प्रिंट ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक यूजर ने इनपुट में एक सेंटेंस दिया, जैसे ये है, दिस इज अ कैट। ये इनपुट में अगर मुझे सेंटेंस दिया है तो मुझे जो उसके वर्ड है ना, हर वर्ड का पहला लेटर मुझे प्रिंट करना है, वो भी कैपिटल में। ऐसे जैसे इसका दिस का पहला कौन है, लेटर टी। फिर उसके बाद एक डॉट लगाना है, मतलब हर एक वर्ड के लेटर को जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ उनको डॉट से सेपरेट करना है। तो मैंने पहले वर्ड का पहला लेटर लिखा कैपिटल में टी, डॉट लगाया। फिर अगले वर्ड का पहला लेटर कौन है, आई, उसको लिखा कैपिटल में, फिर डॉट लगाया। फिर उसके बाद अगला वर्ड का पहला लेटर कौन है, वो एक ही है तो वो ए ही हो गया, फिर डॉट लगाया। फिर अगला वर्ड का पहला लेटर कौन है, सी, उसको कैपिटल में लिखा। इस तरीके से मुझे आउटपुट देना है। ठीक है, तो ये करेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लगाएंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या है, मेरे को हमने देखा कि हर लेटर मेरे को कैपिटल में प्रिंट करना है, तो हम एक काम करते हैं, पूरे को पहले कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वही करेंगे, तो इसको पूरा कैपिटल में चेंज करेंगे पहले तो हम अपने प्रोग्राम में। तो ऐसा बन जाएगा, है दिस इज अ कैट। तो हमने एक काम तो कर लिया, ठीक है, ये तो हम आराम से कर लेंगे। अब इसके बाद मुझे हर वर्ड का पहला लेटर चाहिए। यार अब मुझे पहले तो ये पता चल जाए कि इसमें वर्ड कितने हैं ना, उसके लेटर तो फिर निकालूंगा। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मेरा पहला वर्ड यहाँ तक है, अगला वर्ड की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हम हर वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं ना, तो प्रोग्राम में मैं इसी से पता करूंगा कि जहाँ मेरे को स्पेस मिल जाए, मतलब समझ जाना मेरा वर्ड खत्म हो गया और उसके अगला वाला क्या होगा, अगले वर्ड का पहला कैरेक्टर। नहीं आ रही बात समझ में? देखो जैसे ये है दिस, ठीक है, तो एक सबसे पहला काम ये करेंगे, जैसे ये दिस है ना, तो इसका पहला लेटर मैं उठा के मेरे पास पहले से रख लूँगा, जो मेरे को प्रिंट करवानी है उस स्ट्रिंग में इसको रख लूँगा और एक डॉट लगा दूंगा आगे से। ठीक है, फिर मैं एक लूप चलाऊँगा, मैं हर करेक्टर में आऊँगा, मेरे को जैसी स्पेस मिलेगा ना तो मैं ठीक उसके आगे वाला करेक्टर उठा के ले लूँगा और उसको इसमें जोड़ दूंगा। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमें पता है स्पेस के, जब स्पेस आता है तो हमारा वर्ड एंड हो जाता है और उस स्पेस का अगला जो कैरेक्टर होता है वो अगले वर्ड का पहला लेटर होता है और अगले वर्ड का पहला लेटर ही तो चाहिए ना, तो इसलिए मैं सिर्फ उसको उठाऊंगा और अपने उसमें लगा दूंगा, जो मेरा जो रिजल्ट मेरे को प्रिंट करना है उसमें लगा दिया। फिर एक डॉट फिर से लगा दूंगा, फिर हम आगे चेक करेंगे, स्पेस नहीं है, आगे बढ़ूंगा, स्पेस है, हाँ मिल गया, तो ठीक इसके अगला वाला जो लेटर है उसको उठा के इसमें लगा दूंगा, ए लगा दिया, फिर से एक डॉट लगाऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखा स्पेस है तो फिर उसके अगला वाला लेटर कौन है, सी, उसको इसमें हम जोड़ देंगे। इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस पर प्रोग्राम बना के देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे करेंगे इसे। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम की क्लास बनी है मेन मेथड के अंदर, स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट है। अब हमें यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट में लेना है, सेंटेंस होता है स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लिया मैंने एस, और उसमें चलो इससे पहले एक लाइन लिख देंगे, एंटर अ सेंटेंस, है ना, भाई यूज़र को पता भी तो होना चाहिए उसे करना क्या है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंटर अ सेंटेंस। इसके बाद यूज़र जब सेंटेंस देगा तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू हम पूरा सेंटेंस इनपुट में लेंगे और s में हमने डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ कैट हमें यूज़र ने इनपुट में दिया था तो वो s में जा करके स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसको अपर केस करना। तो अपर केस कैसे करेंगे, तो एक मेथड है s इक्वल टू, देखो इसको अपर केस करना है ना s को, तो देखा s इक्वल टू s डॉट टू अपर केस। क्या होगा इससे, s डॉट टू अपर केस, तो s को अपर केस करेगा, फिर नई स्ट्रिंग लौटाएगा वो s में चली जाएगी। तो अब जो मेरा s बना वो ऐसा बना, दिस इज अ कैट। ठीक है, और ये किस तरीके से स्टोर हो रखा होगा, एरे के फॉर्म में, क्योंकि मैं बताया स्ट्रिंग क्या होती है, एरे तो होती है इंटरनली, एरे की तरह तो ट्रीट होता है। तो ये हुआ दिस इज अ कैट, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा ये जहाँ तक भी है इसकी वैल्यू आखिरी। अब ये तो हमारा हो चुका है, अब देखो मेरे को अब जो रिजल्ट स्टोर करना है, मतलब मेरे को हर करेक्टर, हर वर्ड का पहला करेक्टर निकाल के एक और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना, जिसमें मैं उनको डालता रहूँगा। तो एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ रिजल्ट नाम की, तो मैंने बनाया स्ट्रिंग रिजल्ट। अब देखो मैंने पहले आपको बताया था जब मैं बनाऊँगा स्ट्रिंग, तो
तो जो पहला वर्ड है उसका पहला करेक्टर तो हम पहले से उसमें डाल देंगे और डॉट भी लगा देंगे साथ ही साथ, ये मैंने पहले बताया था। तो पहला करेक्टर कैसे डालूंगा वो बताओ। तो देखो जो स्ट्रिंग है इसका नाम क्या है, एस। तो मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू एस डॉट, एस का पहला करेक्टर डालना है ना, तो एस डॉट कैर एट। अब हमें पता है पहला करेक्टर कौन सी पोजीशन पे होता है, सबका जीरो पे ही होता है ना पहला करेक्टर, भाई पहला वाला है तो जीरो पोजीशन पे होगा। तो एस डॉट कैर एट जीरो, तो जो एस डॉट कैर एट जीरो है ना ये कुछ और नहीं है, मेरे को जो पहला करेक्टर है मतलब टी दे देगा, टी मेरे को पहला करेक्टर मिल गया। अब हमें क्या आउटपुट किस तरीके का दिखाना है, हर जो मेरा करेक्टर मैं ले रहा हूँ उसके बाद एक डॉट लगाना है। तो डॉट अगर मैं टी के बाद लगाना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, यहीं पर मैं लिखूंगा प्लस। देखो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं, तो प्लस लिखा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाया मैंने डॉट। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर आप कोई स्ट्रिंग जोड़ोगे तो स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम करेक्टर को लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट लिखा। तो होगा क्या, ये जो टी है इसमें ये जुड़ जाएगा कौन, डॉट। तो मेरा ऐसा बना टी डॉट, मतलब स्टार्टिंग का काम तो मेरा हो गया। तो रिजल्ट में मेरा क्या आ रखा है, टी डॉट मतलब पहला वाला करेक्टर और एक डॉट आ गया। अब मेरे को उसमें आई लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर ए लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर सी लगाना है, वो देखते हुए कैसे लगाएंगे। तो अब मेरे को अगर ये लगाना है आई फिर ए सी, मतलब इन पे आना पड़ेगा, और इन पे आना है तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मेरे को क्या लगाना है, लूप। तो मैं इतना रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब लूप लगाएंगे, अब लूप कहाँ से चलाऊंगा, पहले इंडेक्स से चलाना है तो ठीक है, स्टार्टिंग का तो हमें पता चल गया, अब एंड का देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो फॉर लिखा इंट आई इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग से चलाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग तो हमने करी जीरो से, चलाएंगे कहाँ तक, आई लेस देन कहाँ तक। देखो अभी तो आपको दिख रहा है आखिरी इंडेक्स 12 है, ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है, लेकिन किसी ने कुछ और सेंटेंस दे दिया इनपुट में, कैसे पता करेंगे। तो क्या करना है, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी सेंटेंस की। लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ निकालने के लिए वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एल इक्वल टू किसकी लेंथ निकालनी है, इसकी, और इसका नाम क्या था, एस। तो लिखा एस डॉट लेंथ, ये हमें इसकी लेंथ दे देगा, ठीक है। और हमें ये पता है आखिरी इंडेक्स लेंथ से एक नंबर कम होता है हमेशा, ये याद रखना। तो इसलिए मैं जो लूप चलाऊंगा वो लेस देन एल, लेंथ से एक नंबर कम तक चलाऊंगा, ठीक है। तो मेरा मतलब लूप स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी इंडेक्स तक चल जाएगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू हर बार प्लस कर देंगे, ठीक है। जब लूप चलेगा अब करना क्या है, लूप के अंदर मुझे ये देखना है मुझे स्पेस कहाँ मिल रहा, ठीक है। जैसे मुझे स्पेस मिलेगा उसका अगला वाला करेक्टर उठा लूँगा, ठीक है ना। स्पेस मतलब स्पेस मेरे को तभी मिलेगा जब मेरा पिछला वाला करेक्टर खत्म हो रहा होगा, और तो उसका अगला वाला करेक्टर उठाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वर्ड का पहला करेक्टर उठा लूंगा मैं, बस समझ में आ रही ना। तो ये पता कैसे करूं मुझे स्पेस कहाँ मिल रहा, तो उसके लिए लिखूंगा इफ, अगर एस का करेक्टर एट आई पोजिशन वाला, अभी बता रहा हूँ इसको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर इक्वल हो जाता है स्पेस के, देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस मारा है, अभी ये पहले समझ लो यहाँ लिखा क्या है। देखो यहाँ लिखा है इफ एस डॉट कैर एट आई, देखो आई की वैल्यू एक बार जीरो है, पहला इंडेक्स जब लूप आगे बढ़ेगा फिर वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी, ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो जब मान लो आई की वैल्यू जीरो है तो ये चेक करेगा इफ एस डॉट कैर एट जीरो, मतलब एस का करेक्टर एट जीरो इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स में कौन है, टी। तो क्या टी इक्वल है स्पेस के, नहीं। तो लूप मेरा आगे बढ़ेगा, फिर आई की वैल्यू होगी वन, तब चेक होगा कि इफ एस डॉट कैरेक्टर एट वन क्या वो स्पेस के बराबर है, तो वन पे कौन है, एच, नहीं है। ऐसे टू के लिए चेक होगा, टू पे कौन है, आई स्पेस के बराबर नहीं है, थ्री पे कौन है, एस स्पेस के बराबर नहीं है, फोर पे कौन है, स्पेस, क्या स्पेस स्पेस के बराबर है, हाँ है। तो जब आई की वैल्यू फोर होगी ना तो तब ये मेरा इफ वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि ट्रू हो जाएगी, क्योंकि फोर पे कौन है, स्पेस, तो स्पेस इसके बराबर है। तो जब ये ट्रू हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका अगला वाला करेक्टर उठा करके किसमें डालना है, जो रिजल्ट वाली मैंने स्ट्रिंग बना रखी थी तो उसमें कैसे डालें, तो देखो कैसे करेंगे। देखो तो यहाँ मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, रिजल्ट में तो पहले से वो पहले करेक्टर का पहला लेटर पड़ा हुआ था और एक डॉट पड़ा था, ये पड़ा था ना उसमें पहले से, टी और डॉट। अब मेरे को उसमें ये आई जोड़ना है, ऐड करना है, तो इसने लिखा रिजल्ट प्लस, इसमें क्या जोड़ना है, मेरे को आई जोड़ना है। तो वो आई मुझे कैसे पता चलेगा, देखो जो आई की पोजीशन है अभी, आई क्या है, अभी आई की वैल्यू फोर है, तो आई उससे एक नंबर, मतलब उस फोर के आगे वाला जो इंडेक्स है उस पर है ना, फाइव वाले इंडेक्स पर है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अगर अभी आई की वैल्यू आई है तो जो मेरा अगला करेक्टर जो मेरे को चाहिए वो आई प्लस वन जगह पर बैठा है, कह सकते हैं ना, आई प्लस वन इंडेक्स पर है। अभी आई की वैल्यू फोर है तो आई प्लस वन कौन होगा, फाइव। तो मेरे को आई प्लस वन इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस कौन, एस डॉट करेक्टर एट आई प्लस वन। देखो मतलब समझ लो क्या हो रहा है, रिजल्ट में पहले से पुरानी वैल्यू पड़ी थी टी और एक डॉट,
प्लस का मतलब होता है किसी और स्ट्रिंग को हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं, एस डॉट करेक्टर एट आई प्लस वन, एस में से करेक्टर उठाओ आई प्लस वन पोजिशन वाला, तो आई की वैल्यू थी 4, तो आई प्लस वन मतलब 5, तो 5 पोजिशन वाला उठाओ, तो आई को उठाया और इसमें जोड़ दिया तो टी आई बन गया। और इसके बाद हमें क्या इतना ही करना है, हमें इसके बाद एक और काम करना है, इसके आगे डॉट भी तो लगाना है, तो ये करने से पहले हम प्लस करेंगे और एक डॉट भी जोड़ देंगे, ये लगा दिया डॉट और तब कह रहा इसे बंद, तो डॉट भी लग जाएगा, ये हुआ यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने करना बंद अपना। अब देखो अभी तो ये टी डॉट आई डॉट बना, फिर आगे मेरा लूप चलेगा, इसके लिए चेक होगा जब मेरे आई की वैल्यू होगी 5 पे चेक होगा कि क्या स्पेस है, नहीं है, फिर आगे बड़ी वैल्यू बढ़ेगी 6 पे चेक होगा कि क्या स्पेस है, नहीं है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी तब तक, इफ़ वाली। आगे अब बढ़े 7 पे आया, चेक होगा कि क्या 7 पे स्पेस है, हाँ है, तो फिर ये चलेगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एस डॉट कैर एट आई प्लस वन। अब देखो अब जो रिजल्ट है हमारी, ये मैंने रिजल्ट इक्वल टू लिखा है, तो जब ये टी आई वैल्यू पिछले वाली बारी में बनी थी ना, तो ये रिजल्ट में आ चुकी होगी, तो अभी रिजल्ट की जो नई वैल्यू है वो टी डॉट आई डॉट है, ठीक है। तो जब इसमें हम पहुंचे तो ये क्या, ये वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि हमें स्पेस मिल चुका है, तो उसका अगला वाला करेक्टर कौन है, अगली वाली पोजिशन पर कौन है, ए, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट मतलब इसमें जोड़ेगा किसको, एस डॉट करेक्टर एट 7+1 मतलब 8 वाले को, तो एस डॉट करेक्टर एट आई प्लस वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 8, तो 8 पे कौन सा करेक्टर है, ए, तो ये मेरे को ए लौटा करके देगा, तो ए आ जाएगा यहाँ पर, और पीछे से हम वो डॉट भी लगा रहे तो डॉट भी लग जाएगा, ऐसे ही अगले वाले के लिए होगा, स्पेस मिल गया उसके आगे, ठीक, फिर से ये वाली कंडीशन चल जाएगी, तो फिर सी को उठाएगा, सी को उठाया इसने, और पुरानी देखो जब ये नई हमारी रिजल्ट बन, जब ये नई वाली स्ट्रिंग बन रही है ना, तो लौटा करके पुरानी वाली को फिर से रिप्लेस कर रहा है, तो पुरानी वाली रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होती रह रही है, अब नई वाली वैल्यू जो बनी है रिजल्ट की वो टी डॉट आई डॉट ए डॉट बनी है, ठीक है। आई की वैल्यू थी 9, तो आई 9 पे कौन था स्पेस, तो ये कंडीशन चल जाएगी, ये कंडीशन चल जाएगी, तो हम कौन सा करेक्टर आई प्लस वन वाला मतलब अगला वाला करेक्टर उठा करके इसमें जोड़ रहे हैं, तो अगला वाला करेक्टर कौन है, कैपिटल सी, तो कैपिटल सी इसमें जुड़ जाएगा और आगे डॉट भी लग जाएगा, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। फिर लूप फिर से चलेगा, ए के लिए भी चलेगा, स्पेस नहीं मिला तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, फिर से लूप चला, स्पेस नहीं मिला, ये कंडीशन नहीं चलेगी, उसके बाद तो फिर लूप हमारा नहीं चलेगा क्योंकि हमारा वो खत्म हो चुका सेंटेंस, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बना वो ये बना है टी डॉट आई डॉट ए डॉट सी, और मेरे को ये चाहिए था ना, ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस दोगे आपका हर वर्ड का पहला करेक्टर हम इसमें स्टोर कर लेंगे जब ये पूरा चल जाएगा हमारा लूप, ठीक है। फिर में हम अपना फॉर लूप भी बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा फॉर लूप की बॉडी, अब हमें सिर्फ प्रिंट करना है इसको, तो प्रिंट करना है, बस प्रिंट करना रह गया, तो वो देख लेते प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ लिख देते हैं आउटपुट इज क्या है, इसके आगे का पोर्शन में नीचे लिख देता हूँ, प्लस किस में वो वैल्यू स्टोर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो लिख दे रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया, अब हमारा ये हो गया मेन क्लोज और ये हो गया हमारी क्लास क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बड़े ध्यान से करना, ठीक है। और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, जिसमें हमें ऐसे इस तरीके से स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन लगा के कुछ करना पड़ता है, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना पड़ता है, ये सब काम करने पड़ते हैं, ठीक है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ऐसे आपको प्रोग्राम की जितनी प्रैक्टिस हो सके कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।